आज अपने इस्तीफा दे दिया है राजभवन में, स्वीकृत हो गया है वो, और कारण क्या रहा? देखिए, आपने पत्र में देख लिया होगा, जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमने पूरी निष्ठा और लगन के साथ जो है, और मैं नहीं पूरे मेरे समाज के ओबीसी दलित सारे समाज के जो डिप्रेस वंचित समाज के लोगों ने साथ दिया, लेकिन निश्चित रूप से 5 साल में ओबीसी दलित ऐसे वंचित बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया, इससे आहत होकर के मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है। 5 साल बाद कैसे याद आई आपको सर? 5 साल बाद याद आई? यही मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पहली बार क्यों लगा आपको कि क्यों नहीं सुनवाई हुई? यही मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सवाल यही करेंगे कि 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, आपने मलाई किया, वो खाया ये खाया। मैं कहा कि जिस गरीब समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के नाते आज बहुमत की सरकार बनी, लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन उस पिछड़े दलित को कुछ भी नहीं मिला, इससे आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया। मेरी बात सुनो, नाराजगी किससे थी आपकी? कौन कौन उपेक्षा कर रहा था पिछड़े दलित की? मेरी बात सुनिए, मैं 5 साल शुरू से मैं लगातार अपनी पार्टी के हाई कमान के लोगों को सूचना देता रहा, कहता रहा कि बात करता रहा, लेकिन मेरी बातों को अनसुनी कर दिया गया, क्योंकि मैं पिछड़ों की बात, दलित जो उपेक्षित लोग हैं, जिनके नाते हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में हैं, और सारे समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के 5 सालों में यहाँ जाएंगे ऐसा कौन उपेक्षा कर रहा था? कौन नहीं सुन रहा था? दारा सिंह जी, कौन नहीं सुन रहा था? आज पहली बार मैं बयान दे रहा हूँ, चूंकि जब 5 साल तक, मेरी बात सुनिए, 5 साल तक ये हमारे सारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता, सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है, मैं चर्चा करना चाहता हूं, तब इस समय नहीं मुझे मिल पाया। अनदेखी का जिम्मेदार कौन है? अनदेखी का जिम्मेदार कौन है? यह जो है मैं तय करूंगा। अभी देखिए, अभी आप लोग चिंता मत करें, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अभी मैं स्वामी जी के साथ मैंने नहीं दिया है इस्तीफा, तो आज मेरा इस्तीफा हुआ है, लेकिन ये है कि मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी है, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। स्वामी जी, एक चीज बताइए, नाराजगी किससे थी आपकी? कौन? नहीं, बीजेपी से किसी की बात हुई क्या आपकी? नहीं, मैं पार्टी में रहा हूँ, तो मेरी बात तो सारे नेताओं से होती रही है, सारे लोगों से मैं अपनी बात को कहता रहा। ठीक है, सारे लोगों से मैं बात करता रहा। इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, ऐसा नहीं, अब कौन आएगा, कौन विधायक जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को है, आने वाले दिन में 2-4 दिन में सब पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े दलित की बात नहीं सुनने देता? निश्चित रूप से आज जिस तरीके से पिछड़े समाज या दलित समाज के लोगों में जो तकलीफ है, अगर यह बात लोगों की सुनी जाती तो फिर क्यों ये दारा सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे? मैं किसी से आरोप, देखिए ठीक है, नहीं ठीक है, मैं तो अब चलिए मैं किसका नाम बताऊं, सारे लोगों के नाम, सारे लोगों के बात हुई, मेरी चीत हुई, मैंने अपनी पीड़ा सारे लोगों को बता दिया था कि इस्ती है, मैं तो अब उससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन देखिए 5 साल तक सारी बात को आप लोग जानते हैं, मैं तो शुरू से इस बात को लड़ता रहा हूँ। कौन, किन लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे? कौन लोग थे जो आपके आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे? बात को मैं कहता रहा कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी, और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने। कौन सी पार्टी इंसाफ देगी? कौन सी पार्टी में इंसाफ की संभावना लग रही है? बाकी मैं परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।